प्रदेश में आज पॉलिटिकल टूरिज्म करने पहुंच गए। मौत के ऊपर पॉलिटिकल टूरिज्म करना, मौत के ऊपर राजनीति करना, ये बहुत ही ओछी राजनीति है। बहुत ही दुखद घटना हाथरस में हुई है। जब ये घटना हुई, प्रधानमंत्री जी संसद में थे, उन्होंने तुरंत संवेदनाएं प्रकट करी और इसका संज्ञान भी लिया। इसी के चलते योगी आदित्यनाथ जी ने भी वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को तुरंत भेजा, डीजीपी को भी तुरंत भेजा और स्वयं भी बहुत जल्द पहुँचे। लेकिन मैं राहुल गांधी जी को याद दिला दूँ, वहाँ पर मोदी जी की गारंटी की सरकार है। मोदी जी की गारंटी का बुलडोजर दोषियों पर भी चलेगा, किसी को बख्शेगा नहीं और विपक्ष की ओछी राजनीति पर भी चलेगा। जिस तरीके से अपना पॉलिटिकल टूरिज्म करने आज राहुल गांधी 3 दिन बाद वहां पहुंच गए, मैं पूछना चाहती हूं राहुल गांधी जी से कि क्या उन्होंने अपने भाई स्टालिन को एक भी फोन कॉल किया? 60 से अधिक परिवारों के घर में जो हादसा हुआ स्पूरियस लिकर के चलते, लोगों की मौतें हो गई तमिलनाडु में, जहां राहुल गांधी के भाई की सरकार है, क्या राहुल गांधी ने फोन तक करके पूछा? क्या वहां पर संज्ञान लिया? लेकिन उत्तर प्रदेश में आज पॉलिटिकल टूरिज्म करने पहुंच गए। मौत के ऊपर पॉलिटिकल टूरिज्म करना, मौत के ऊपर राजनीति करना, यह बहुत ही ओछी राजनीति है। वो विपक्ष के अब नेता है, विपक्ष के लीडर है और उनको एक जिम्मेदार नेता की तरह काम करना चाहिए, ना कि अपने पॉलिटिकल टूरिज्म का एजेंडा फुलफिल करने के लिए ओछी राजनीति करनी चाहिए। जी, ये भी कह रही है कि 80 की अनुमति थी, 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए, सिर्फ 40 पुलिस कर्मी वहाँ मौजूद थे और कोई व्यवस्था नहीं थी, अस्पताल में भी कोई व्यवस्था नहीं है, बेहद ही गरीब परिवार के लोग हैं वो। देखिए, वहाँ पे मोदी जी की गारंटी की सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो हम किसी को नहीं बख्शते और जहाँ पे भी कोई कमियाँ रही हैं उनको सुधार किया जाएगा। जो चीज़ हुई है वो बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही दुखद घटना है। हम उन राहुल गांधी के भाई की स्टालिन की सरकार नहीं है तमिलनाडु की कि यहाँ पे कुछ मापदंड नहीं होंगे, कोई जिम्मेदारियाँ नहीं होंगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पे गारंटी की मोदी जी की सरकार है और निश्चित तौर पर गारंटी के तहत सबका ध्यान रखा जाएगा और वो उत्तर प्रदेश की जनता की फिक्र ना करे, वहाँ पे मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है जो उनका ध्यान रखेगी लोगों का। राहुल गांधी को अपना पॉलिटिकल टूरिज्म, अपना पॉलिटिकल एडवेंचर बंद करना चाहिए और मौतों के ऊपर राजनीति बंद करनी चाहिए। वहाँ पर वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई आध्यात्मिक प्रवचन देने गए थे, वो 100% राजनीति करने गए थे। और दुख की बात यह है कि राजनीति बहुत सेलेक्टिव करने गए। हम सभी घटनाओं पे समान रूप से संवेदना व्यक्त करते हैं, परंतु वो पिक एंड चूज करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं पे जो राजनीति वो कर रहे हैं वो दुखद है, इस पर संवेदनशील राजनीति होनी चाहिए। बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि ये हादसों के ऊपर राजनीति की यह दृष्टि एक प्रकार से सियासी लाभ की गिद्ध